हेलो फ्रेंड्स, आप अगर एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और मेकर है और आर्टिस्ट है जो आपका प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल करते हैं और करने वाले हैं थ्रू योर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आपको मैं एक एसईओ का इम्पोर्टेंस आप बोलने वाला हूँ आज। एसईओ आप जानते होंगे, सुने भी होंगे। एसईओ क्या होता है, क्या मायने रखता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए? एसईओ है जो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जो सर्च इंजिन जैसे बिंग हो गया, जैसे मोस्ट पॉपुलर गूगल आप जानते होंगे। कुछ भी आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप पहले गूगल को जाते हैं और सर्च करते हैं, राइट? जैसे कि आप हुआ बाय मांडाला आर्ट, आप ऐसे सर्च करते हैं वाटर कलर पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, आप वहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिस्ट आता है, वो कुछ भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है वहाँ पे, डायरेक्ट आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, राइट? सो ऐसे ही सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होते हैं वो गूगल्स आपको दिखाता है, राइट? तो आप अभी सोच रहे होंगे इस जमाने में और एसईओ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत सारे इफेक्ट होता है और इंस्टेंटली आपको सेल्स मिल जाती है, बट आप अगर लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, एसईओ का इम्पोर्टेंस बहुत है। आप एक चीज़ याद रखिए, 3.5 बिलियन डेली बेसिस में आपका सर्च होता है ऑन गूगल। आप अगर गूगल को एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज सर्च इंजन पकड़ रहे हैं तो गूगल में 3.5 बिलियंस का सर्च होता है डेली बेसिस में। फिर आप सोचिएगा कि मैं जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना चाहूँगा उसमें क्या होगा ना, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो बड़े बड़े हैं उनका ऑप्टिमाइज्ड पेजेस पहले दिखेंगे बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ए लॉट। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अगर अपना कंटिन्यूअसली आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड को और आपका वेबसाइट को करते हैं, तो आपका भी वेबसाइट पहले आप एज ए यूजर आप कंसिडर करिए। आप अगर कोई भी सर्च करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अमेजन फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली दिखती है, बट एक्चुअली क्या होता है, मैं उसमें क्लिक नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे पता है अमेजन क्या है और फ्लिपकार्ट क्या है। वो पर्टिकुलर जेनेरिक स्टोर्स हो जाते हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, बट कोई अगर मेरे जैसे बंदे और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट है उनसे ही खरीदना चाहते हैं और जो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं उनको खरीदते हैं, तो वो अमेजन और फ्लिपकार्ट को छोड़ के जो डिफरेंट अदर साइट्स आते हैं उनसे खरीदना चाहते हैं। तो उसी तरह मैं आपको बोल दूं, जैसे हम लोग पहले कंसिडर करिए गूगल, आपको प्यास लगा है तो आप पानी के पास जाते हैं और पानी पीते हैं, और आपको भूख लगा है आप खाना खाते हैं। उसी तरह आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं आप गूगल के पास जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, राइट? तो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी तरह जैसे कि आप जैसे मैं बोला वाटर कलर पेंटिंग का एक फ्रेम चाहिए और जहाँ पे आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं, तो आप वाटर कलर पेंटिंग खोजेंगे ही, तो उस पे आपको कौन सा वेबसाइट आना है और कौन सा वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है थ्रू सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मैं बोल दूं सर्च सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन दो तरह की होती है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। आपका ऑन पेज एसईओ जो वेबसाइट जो ई कॉमर्स साइट आप जिसी से बना रहे हैं और कहीं से बना है उस पे इफेक्ट करता है, वो कितना इफेक्टिव है, कैसे इनबिल्ट और कैसे सपोर्ट करता है ऑन पेज एसईओ के लिए। और ऑफ पेज एसईओ जैसे आपको मैन्युअली डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आपका वेबसाइट का लिंक विद दैट पर्टिकुलर कीवर्ड आपको देना पड़ता है, राइट? तो इसी हिसाब से आपका गूगल का रैंक बढ़ता है। तो जैसे आप मैंडाला वर्ड आर्ट हो गया, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं आप उस पे गूगल पे आप कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो सकता है। 90% आपको एक चीज याद रखना है, 90% ऑफ योर पोटेंशियल ऑडियंस फ्रॉम गूगल, ये रिपोर्ट गूगल ही बोलती है और सब मानते हैं। और एक चीज मैं बोल दूं, जैसे कि आपका कीवर्ड यूजर्स जैसे मैं अभी बोला, तो आपका कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि हाउ टू बाय और वेयर टू गेट द मैंडाला आर्ट वर्क। सो कोई भी सर्च करता है तो पहले आप देखे होंगे
बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, तो उसी हिसाब से आपका भी वेबसाइट आ सकता है अगर आप सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो मोस्टली द टेक्निकल पार्ट ऑफ सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन है जो आप इनबिल्ट होता है, जो ऑन पेज एसईओ, अगर सही नहीं होता है तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। तो वो कौन सा ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं जहां आपको सही से ऑप्टिमाइज हो सके आप अपना पेज, ठीक है। तो अगर मैं टाइप ऑफ का एग्जाम्पल दूं तो टाइप ऑफ में वो इनबिल्ट है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, आप कोई भी पेज ऐड कर रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज हो के आपको जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सके उसका पूरा ध्यान रखा गया है टाइप ऑफ में। अगर टाइप ऑफ में आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हैं तो आपका पूरा एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुली ऑप्टिमाइज्ड हो के आता है। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा कीवर्ड पे फोकस करना है तो आपको सर्च इंजन जो ऑफ पेज बोला, जो आपको अब डिफरेंट वेबसाइट पे आपको बैक लिंक्स बनाना है तो उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल दूँ सर्च इंजन का जैसे इम्पोर्टेंस क्या है, जो मोर ट्रैफिक आएगा तो आपका जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होगा, और कोई भी सर्च इंजन में खोजता है, कुछ भी प्रोडक्ट खोजता है, अगर वो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और सर्च इंजन पेज में आया तो आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा। आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो आपको सेल्स बढ़ जाएगा। तो और एक चीज आप देखे होंगे, गूगल फीचर स्निपेट्स देखे होंगे, जैसे कि आप कुछ भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उस पे आपका पर्टिकुलर वेबसाइट का कुछ फ्रेज आपको सजेस्ट करता है, तो वो पूरी ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट को ही आपको दिखाता है कि ये जो वेबसाइट है इसमें जो कंटेंट है वो एक्यूरेट है, जो गूगल अपना इंजिन के थ्रू वो मेजर करता है वो, और ट्रस्ट वर्दी है, वो क्रेडिबिलिटी भी क्रिएट होता है। आप अगर कोई भी वेबसाइट वहीं से कुछ सब आपको दिखाता है तो आप मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट एवरी वन क्लिक देयर, बिकॉज आपको यही लगता है कि हाँ ये अगर गूगल दिखा रहा है तो वो सही है, और वो सही भी होता है, आप देखे होंगे। तो और एक इसमें क्या है ना, जो आप जैसे मैं बोला लॉन्ग टर्म आपको अगर प्ले करना है तो इसमें आपको कंटिन्यूअसली बिल्ड करना है कंटेंट उस पे। जैसे मैं बोल दूँ हमारे टाइप ऑफ में आप ब्लॉग का कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, तो इनर पेज का लिंकिंग हो सकता है, तो उसमें आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज होता है और आपका कॉस्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें ज़्यादा खर्चा ही नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूसली कंटेंट बिल्ड करना पड़ता है और आपका ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। और एक चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप एक वेबसाइट में गूगल सजेस्ट कर रहा है तो आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है अमंग द कस्टमर। आपको कस्टमर कोई भी सर्च कर रहा है, अगर आपका वेबसाइट आपको दिखा रहा है कोई किसी कस्टमर को, उनको लगता है ये जो साइट है ये ट्रस्ट वर्दी है, गूगल दिखा रहा है, और क्रेडिबिलिटी आप मार्केट में आपका ब्रांड बनती है। तो सर्च इंजन एक स्मॉल बिजनेस ओनर आपको और आपके जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर और जो आर्टिस्ट है, जो मेकर्स है, जो घर बैठे कुछ भी सेल्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यू हैव टू जैसे आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है, और आपका वेबसाइट के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस ही है। आप अगर उसको स्किप करना चाहेंगे तो आपका मतलब शॉर्ट टर्म तो आप पैसा खर्चा करके कैंपेन चला के और सोशल मीडिया मार्केटिंग करके वो इंस्टेंटली यू कैन गेट सेल्स, बट आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड इंटरेस्ट तरह आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम आएगा। मुझे लगता है आपको ये दीज पॉइंट्स, जैसे मैं बोला गूगल में जैसे कीवर्ड यूज, जैसे कि आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जैसे कि आपका क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, मुझे लगता है आप उस पर थोड़ा सा वैल्यू ऐड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।